खबर बेतिया के मैनातांड से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर स्थित पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित नाबालिग युवती के मां ने पुलिस को आवेदन देकर बताया कि 9 दिसंबर की रात 10 बजे मेरी 14 वर्षीय बेटी अपने ही घर में बने शौचालय में शौच करने गई थी। शौच से वापस आने पर मेरी बेटी हाथ पैर धो रही थी, उसी दौरान टाटी के बगल में पूर्व से घात लगाए मेरे ही गांव का शैलेंद्र कुमार, जिनकी उम्र 22 वर्ष, मेरी बेटी का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया और रात भर दुष्कर्म किया। सुबह जब मेरी बेटी 8 बजे घर वापस आई तो अपनी आपबीती मुझे बताई। गांव में कुछ पंचों के द्वारा इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं पुलिस के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही हूं। पुरुषोत्तमपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि पीड़ित युवती को मेडिकल जांच के लिए बेतिया भेजने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुरुषोत्तमपुर में एक दुष्कर्म का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था, उस संबंध में अभी तक एक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी भी अगर किन्हीं की संलिप्तता है उसके बिंदु पर भी छानबीन किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी।